हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक थीम अपलोड कर रहा हूँ इस समय। तो ये थीम है मिस्टर एसईओ। सो अगर आपकी कोई ऐसी एजेंसी है जिसमें आप वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के काम करते हैं, इवन कहीं कहीं पर यूआई यूएक्स के भी काम करते हैं आप या फिर बैकएंड का, तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये थीम कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ आपको मैं बताऊँगा, बट इसके पहले मैं बता दूँ यार, बेसिकली इस थीम की कीमत देखो ये है 69 और 69 अगर मैं यूएस डॉलर को कन्वर्ट करूँ, 69 यूएस डॉलर टू आईएनआर, तो ये लगभग 5,000 रुपये की आएगी और इसमें आपका 18% टैक्स लग जाएगा, है ना। तो 7-8 हज़ार रुपये की आएगी ये थीम, लेकिन ये इंस्टॉल करके नहीं देंगे आपको, है ना। बट एनीवे ये थीम मैंने ली है, तो मैं इस पर क्योंकि इसे अब अपलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं काफ़ी फास्ट है ये, मतलब मैं इसे और भी फास्ट कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छे पेजेस, एक तो मुझे ये अच्छा लगता है, दूसरा ये कि ये भी सही है, इसका ये भी काफ़ी अच्छा पेज है, ये सारा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मुझे जो चाहिए बेसिकली इसमें है, और मैंने देखा इसकी स्पीड सही है, तो मुझे एक चाहिए था जिसमें ये लैंडिंग पेज के जैसा भी काम करेगा। सपोज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म वगैरह डाल के कुछ इसे आई विल यूज़ एज ए लैंडिंग पेज, है ना, छोटा सा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो ये मैं इंस्टॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे ना तो आपको ये देखिए ऐसी थीम मिलेगी, ये ऐसा फोल्डर मिल जाएगा, तो इस फोल्डर को आप अंदर जाके देख लीजिएगा। बेसिकली देखिए मेरे फोल्डर में कुछ नहीं है, सिर्फ फाइल्स मिली है मुझे ये। तो इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप ये परचेज़ करते हो, आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो अब ये है कि ये थीम डायरेक्ट हो जाती है। तो इस थीम के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉलिंग के लिए लगी हुई है ना, तो थोड़ी सा टाइम लेगा यार। तो मैं आपको जीरो से बताता हूँ कि आपने जब इंस्टॉल किया ना वर्डप्रेस, तो जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके डेफिनेटली आपको मैं हमेशा के जैसे बोलूँगा, ये सी पैनल पे आपको डब्ल्यू पी कंटेंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, अपनी थीम डाल दीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा प्लगइन, ये थीम है ना, तो थीम में यहाँ पे डाल देना। तो मैंने ऑलरेडी डाली है, ये देखिए एक्सट्रैक्ट किया है। आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं ना, तो मेरा काम होने के बाद मैं डिलीट करूँगा, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिलीट नाउ एक्चुअली, है ना। तो अभी ये यहाँ पे, बट एक्सैक्टली ये देखिए ये थीम है, एक्सट्रैक्ट कर दिया था राइट क्लिक करके मैं, तो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आप लेवल पे, और ये जो कोड है ना आपको दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्राइब्स में, तो एडिट करके ये कोड डाल लें आपको। ये देखिए ये कोड मैं आपको दे दूंगा, 4 लाइन का है। तो ये मेमोरी इंक्रीज करनी होती है, पता नहीं ये वर्डप्रेस वाले क्यों नहीं सॉल्व करते इसको, तो ये मेमोरी इंक्रीज कर देता है। बट एनीवे ये जो कोड है ना आपका, ये थोड़ी देर में डिलीट भी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसे कमेंट्स करके कि अगर ये डिलीट हुआ तो फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा 2-3 कोड और हैं, सो आई विल शो यू दैट फाइल। यस, तो आप देखोगे एक हो गया जो आपको एच टी एक्सेस में डालना है, फिर ये फंक्शंस में डालना है, फिर आपको एक और पी एच पी की फाइल्स बनानी है, और ये देखिए मैंने लिख दिया, ये डाल दूंगा मैं कमेंट्स में, ये है ना। फिर एक है आपको डब्ल्यू पी इंक्लूड के अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट कंस्टेंट मिलेगी है, तो उसके अंदर 64 लिखे रहता है, 64 उसको डिलीट करके ये डाल देना, बस हो गया, तब आपकी थीम अपलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने जैसी थीम डाल दी है सी पैनल में, तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिख रही थी वो, तो आपको वो इंस्टॉल कर देना है। अब ये तो हो गया, अभी एक्चुअली चालू है तो पता नहीं कि डिस्टर्ब हो तो नहीं जाएगा, बट लेट्स ट्राई फ्रॉम हेयर ऑनली, है ना, उसको होने दो यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये थीम इंस्टॉल हो रही है, अभी टाइम लगेगा, ये कुछ हुआ नहीं, इसका डेमो कंटेंट भी होगा। तो इसकी अच्छी बात है कि ये मैंने थीम, बाकी की जो एक्स्ट्रा थीम होती है ना वो सब मैंने डिलीट कर दिया। तो ये देखिए ये थीम है यहाँ पे, ठीक है, दिख रही है आपको यहाँ पे। तो बींग इंस्टॉलिंग द प्लगिंग इन्वर्टो मार्केट, ये जो है ना प्लगिंग, ये आपको लगेगा। तो अगर ये प्लगिंग आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, इसका ट्रायल वर्जन भी चल जाता है। तो ये डाल देना है आपको, और बाकी के यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे प्लगिंग, तो ज़्यादा प्लगिंग्स नहीं है इसमें,
अब यह है कि यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर दिया ना, तो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना, यहाँ से कुछ नहीं करना आपको। अब ये आ गया हूँ मैं कहाँ पे, वापस वापस जब आप आओगे तो यहाँ पे आओगे तो ये किसके अंदर है, थीम का नाम है, थीम के ऑप्शंस के अंदर ये, तो इसमें आपको जाना है इम्पोर्ट में लास्ट में, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप इम्पोर्ट में आ जाइए। इम्पोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे कर देना, आप ड्रॉप डाउन करोगे तो दो तीन ऑप्शन देंगे, तो इसमें आप मिस्टर एसईओ ही सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कर दीजिए आल, है ना, और ये नो रहता है तो आपको इसको यस करना होगा। व्हाट आई नीड, एक्चुअली आई नीड द डेमो कंटेंट, तो इट इज़ द पार्ट कि आपको डेमो कंटेंट इम्पोर्ट हो जाता है तो आपको ईजिली बनती है ना, इसलिए ये मैंने ऑन किया। उसके बाद इम्पोर्ट करना, और ये लगभग दो घंटे से भी ज़्यादा लेगा क्योंकि काफ़ी कंटेंट है। तो जैसे ही कंटेंट अपलोड होगा तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे बने बनाए, तो ये एक अच्छी साइट है, थोड़ी सी प्रोफेशनल है बड़ी। मेरी इसकी पहले भी अच्छी साइट थी, कुछ इसी तरीके की थी, तो मैंने डिलीट की। इसको थोड़ी सा मैं कस्टमाइज़ कर दूँगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ी एक दो चीज़ें और जोड़ूँगा अपनी, छोटा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहीं लगा दूँगा ऐसा। तो ये इस प्रकार से ये चलती है और काफ़ी फास्ट भी है, और आप देखोगे ना तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव, बहुत अच्छी है ये। तो अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे गूगल में चेक लिया करिए, तो आपके पास बहुत सारे तो आते हैं यहाँ पे, बट आप किसी भी एक में जाके चेक कर लीजिए हाउ योर वेबसाइट विल लुक इन अदर ब्राउजर्स लाइक अदर डिवाइसेस, तो आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। बट यही है कि ये अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप देख लेना। तो एनीवे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टैब में दिखा देता हूँ आईपैड में से, तो ये लॉग इन करने को बोला सारा। तो बहुत सारी वेबसाइट्स है बट नो नीड टू लॉग इन एक्चुअली, है ना। आई एम रिस्पॉन्सिव मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मेन जो तीन चार रहता है ना वो दिखा देता, बाकी का क्या करना है अपन को। तो ये देखना है, मैं जाऊँगा तो इसका ये अच्छा लगता है, ये मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, पूरी 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 दिखा देगा ये, देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी वेबसाइट्स की। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, फास्ट हैं और ये है। आप यहाँ पे देखिए इसका मेनू है ना यहाँ पे ये, तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ी सा सेलफोन ऐसा ऐप के जैसा एकदम लुक एंड फील देता है। उसके फोटोज वगैरह भी आप ऊपर काफ़ी अच्छा है ये। तो ये है टैब के लिए ये, तो मुझे ये अच्छी लगी थी, तो ये कल तक इंस्टॉल हो जाएगी। अगर इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो मैं बताऊंगा। तो ये इसकी थीम की खास बात क्या है कि अगर आपको चेंज करना तो यू कैन आल्सो चेंज द लोगो एंड हेडर एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मगर इसमें क्या है कि कुछ आपका जो डेमो कंटेंट है ना, ये बहुत ईजिली अपलोड हो जाता है। इसकी कोई जेसन फाइल नहीं होती है, ना ही कहीं से इम्पोर्ट का प्लगइन डाउनलोड करना होता है। सीधे आप यहाँ पे आएंगे और इसे इम्पोर्ट करेंगे, तो आफ्टर डैट इट विल बी स्टार्ट। तो अब मैं ये इंस्टॉल तो कल तक होगा, मैं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा। अगर नहीं हुई तो आप समझ जाना, ये साइट काफ़ी अच्छी है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिव पर्पज़ के लिए, लाइक आपकी क्रिएटिव एजेंसी है या कुछ है तो यू कैन यूज़ दिस ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। ओके, बेसिकली ये 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार की पड़ेगी आपको एक थी, और अगर आपको लगता है इसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।